वीडियो के इस पार्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टडी करेंगे। देखिए बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल जो है नोट डाउन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है इस चैप्टर से रिलेटेड काफी न्यूमेरिकल्स हमने पिछले वीडियोज में सॉल्व करके दिखाया है, और आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूं कि आप जो है न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करें। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा। कभी भी ये मत सोचें कि जैसे कि ये प्रॉब्लम लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, सिर्फ देख करके लग जाएगा, ऐसा मत करें। देखिए जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस का मिस्टेक होता है, और वह मिस्टेक आपके असफलता का जो है कारण बनेगा। इसलिए आप मेरा एडवाइज मान करके और किसी भी प्रॉब्लम को ये मत माने कि ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम नोट डाउन है उसको मैं पढ़ रहा हूं। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी हैज ए यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द सोल्यूशन। देखिए इस प्रॉब्लम में भी वही जो है बात की गई है कि आपको पहले यह प्रूफ करना है कि इसका जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, और उसके बाद जब आप ये प्रूफ कर देंगे तो उसके बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं ये जो इक्वेशंस गिवन है उसको यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं। ए एक्स प्लस बी वाई देखिए माइनस सी इक्वल टू जीरो, देखिए मैंने यहां पर इक्वल को हटा दिया तो माइनस सी इक्वल टू जीरो। देखिए सेकंड जो इक्वेशन है ध्यान दीजिए बी एक्स प्लस ए वाई देखिए माइनस, देखिए इसको भी मैं इक्वल को हटा रहा हूं तो ये हो जाएगा वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलिए तो ये जो है जो गिवन इक्वेशंस है इसको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब जो है देखिए ए वन इक्वल टू देखिए ए वन इक्वल टू ए, बी वन इक्वल टू बी, सी वन इक्वल टू माइनस सी, देखिए सी वन इक्वल टू माइनस सी। यहां पर मैंने क्या किया ए वन बी वन सी वन को सॉर्ट आउट कर लिया। अब यहां पर देखिए ए टू इक्वल टू बी एंड B2 इक्वल टू ए, देखिए ध्यान दीजिए एंड C2 इक्वल टू माइनस वन प्लस सी वन प्लस सी। तो देखिए ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, मैंने क्या कर दिया सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं ए वन अपॉन ए टू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ए वन जो है आपका a है और a2 क्या है b है, तो a बाई बी, देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो गई a बाई बी। अच्छा इसके बाद हम लोग b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लें। तो b1 क्या है देखिए b एंड b2 क्या है a, तो ये आ गया b बाई a। देखिए दोनों डिफरेंट है, देख लीजिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू a बाई बी और b1 अपॉन b2 की वैल्यू b बाई a। देखो भाई देखिए ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए और हम लोग पढ़े हैं क्या ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो हमारा एक वन पार्ट प्रूफ हो गया। मैं एक बार फिर बता दूं ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देख लीजिए यहां पर दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हो गया कंडीशन है कि अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है
तो क्या होगा, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, तो प्रूफ हो गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए एक्चुअल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फार्मूला हम बार बार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसी से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स अपान, बात समझिए, एक्स अपान बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी सी और इक्वल टू वाई अपान, देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में वाई अपान सी ए, तो सी ए माइनस सी ए इक्वल टू जेड, जेड के जगह पर मैंने वन बताया है, तो ये हो जाएगा ए बी, ए बी माइनस ए बी। चलिए अब इसके बाद बताया था वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, बस। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, फार्मूला रेडी हो गया। जब फार्मूला रेडी हो गया तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू को जो है हम लोग क्या करें, पुट अप कर दें। देखिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो भी वैल्यू है उसको क्या करिए, पुट अप करिए। देखिए अब हम लोग क्या करें, यक्स अपान, देखिए यक्स अपान, देखिए बी वन क्या है, ध्यान दीजिए बी वन बी है, बी वन क्या है, बी है। अच्छा बी वन सी टू, सी टू की वैल्यू देखिए एक्चुअल में इनटू माइनस वन प्लस सी, वन प्लस सी, बहुत, देखिए कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट अप करते जाइए। तो माइनस बी टू सी वन, बी टू क्या है, ए है, सी वन क्या है, देखिए सी वन क्या है, माइनस सी, तो यहां पर लिख दीजिए माइनस सी, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई का, वाई के नीचे जो है वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए सी वन क्या है, सी वन माइनस सी, तो यहां माइनस सी, इन टू सी वन ए टू, ए टू की वैल्यू बी है, ए टू की वैल्यू देखिए बी है, तो मैंने यहां पर बी पुट अप कर दिया। अच्छा सी टू, सी टू का वैल्यू ध्यान दीजिए माइनस, सी टू का वैल्यू जो है माइनस, देखिए यहां पर देखिए माइनस वन प्लस सी है, देखिए तो माइनस वन प्लस सी, जरा ध्यान दीजिए ये इसकी वैल्यू जो है ये माइनस वन प्लस सी है, तो मैंने जो है इस तरह से इसको क्या कर लिया, लिख लिया। देखिए फिर से सुनिए, C2 का वैल्यू ये मैंने पुट अप कर लिया, A1, A1 का वैल्यू A है, तो A यहां पर मैंने पुट अप कर दिया। चलिए इक्वल टू वन अपान A1, A1 A, देखिए B2, B2 देखिए A, B2 की वैल्यू भी A, माइनस B, A2, A2, A2 जो है B, A2 क्या है, B, इन टू ए टू बी वन, बी वन की वैल्यू देखिए बी, तो यहां भी बी। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखिए इसको जो है सॉल्व कर लें, तो यक्स अपान, बहुत बहुत इजी बात है, देखिए ये जो है ये अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बी का मल्टीप्लाई वन में होगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, देखिए। अच्छा यहां माइनस है तो ये जो है b का मल्टीप्लाई जो है c में जब होगा तो यहां पर माइनस बी सी हो जाएगा, देख लीजिए। और ये जो है माइनस a माइनस, और देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ए सी, बस। तो ये आपका आ गया माइनस बी सी प्लस ए सी, बहुत इजी बात है। अब इसके बाद यहां पर y अपान, देखिए ये क्या हो गया माइनस बी सी, माइनस बी सी, ध्यान दीजिए ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस a और प्लस ए सी, यहां पर देखने वाली बात है। फिर से देख लीजिए माइनस माइनस ये पूरा प्लस हो गया, तो ये का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर a और प्लस ए सी, ए प्लस
एसी। चलिए इक्वल टू वन अपॉन, देखिए ए ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, और बी बी क्या हो गया, बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में हम लोग क्या करें, देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको जो है किनारे रख लें, कोई बात नहीं। देखिए तो ये हो गया ए सी माइनस बी सी, देख कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ जो है पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो माइनस बी सी। अब देखिए ये जो है मैं इधर ला लिया, और माइनस बी कोई बात नहीं। अच्छा इक्वल टू, देखिए उसी तरह से यहां पर भी एसी को हम क्या कर ले, पहले ला ले एसी को क्या कर दे, ध्यान दीजिए एक्चुअल में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, हम लोग क्या करें एसी को पहले ले लें, तो यहां पर आपका एसी हो गया, चलिए, और ये हो गया माइनस डी सी, प्लस ए, प्लस ए इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हमारा यहां तक वैल्यू आ गया, जब यहां तक वैल्यू आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां जगह नहीं है तो यहां जो है सॉल्व करेंगे, तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं। बहुत देखिए कहीं घबराइए मत, वैल्यू को जो है पुट अप कर दीजिए, अब पुट अप करके इसको सॉल्व तो कर रहा हूं मैं, बस यही ध्यान देना है कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो बस। तो देखिए यहां पर हो गया यक्स अपान, देखिए ए सी माइनस बी सी माइनस बी इक्वल टू वाई अपान, देखिए यहां भी है ए सी माइनस बी सी प्लस ए, देखिए इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस देखिए एक्स अपान सी कॉमन ले लीजिए, सी इन दोनों में, देखिए इन दोनों में सी कॉमन है, तो ये सी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी और ये माइनस बी, भाई इसको को थोड़ा कॉमन मैंने लिया है, तो ये जो है इस तरह से इसका शेप हो गया। अच्छा इक्वल टू ध्यान दीजिए वाई अपान यहां भी मैंने सी कॉमन ले लिया, देखिए तो सी जब कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी और प्लस ए, देखिए इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें हो सकता, देखिए जो कॉमन लेना था मैंने ले लिया, अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बस। तो इसके लिए मैंने तरीका आपको बताया है, क्या करिए इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, तो देखिए तो ये क्या हो गया, एक्स अपान सी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्चुअल में सी ए माइनस बी एंड माइनस बी, देखिए देख लीजिए हमने कुछ नहीं किया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो देखिए एक्स इक्वल टू हो गया आपका सी ए माइनस बी इन ब्रैकेट माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, तो देखिए वाई अपॉन सी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस ए इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस ए, तो देखिए आपका वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए वाई इक्वल टू हो गया सी ए माइनस बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, बस। तो देखिए x की वैल्यू, x की वैल्यू ये फाइंड आउट हुआ है और y की वैल्यू ये फाइंड आउट हुआ है, तो ये आंसर, आंसर मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए इसके बाद आंसर हो गया, तो आंसर जो है देखिए जो x की वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, देखिए ये हो गया आंसर। तो x इक्वल टू आपका सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y इक्वल टू देखिए सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये हो गया x और y की वैल्यू। इस तरह से हमारा जो है ये क्या हो गया, जो भी कैलकुलेशन था वो हो गया, और आप जो है इससे कभी भी घबराइए नहीं। देखिए ये हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो गया और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और ये जो है देखिए फाइंड द सॉल्यूशन जो क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम था, इसीलिए थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, कहीं भी क्रिटिकल नहीं है, आप ये समझिए कहीं भी क्रिटिकल नहीं है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, अगले पार्ट में इस चैप्टर का और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।